दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता साक्षरता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि हर मतदाता को चुनाव में अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में कट गया हो वो बूथ अधिकारी से कहकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अयोध्या धर्म नगरी में प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को जर्जर बताकर नगर निगम में गिराने की नोटिस दी जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को तोड़ना अयोध्या की पहचान मिटाना है। भाजपा सरकार एक के बाद एक धार्मिक नगरों के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अयोध्या में प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों 100 साल 200 साल पुराने जो मंदिर हैं उनको जर्जर बना के जर्जरता के नाम पर जो तोड़ने के लिए नोटिस दी गई है, आम आदमी पार्टी नगर निगम के इस फैसले का विरोध करती है। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और कई अवैध असलहे बरामद किए हैं। बरेली में यूपी जायल 100 पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जायल 100 का पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के वक्त सोता हुआ देखा गया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार से सवाल पूछे हैं। चिदंबरम का कहना है कि अगर केंद्र सरकार को 9-20% तक सस्ते दाम पर लड़ाकू विमान मिल रहे हैं तो वह 126 की बजाय 36 विमान क्यों खरीद रही है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि एनडीए द्वारा राफेल को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें उसे 9-20% सस्ते विमान मिल रहे हैं। हाथरस पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि एसओजी टीम ने ट्रैक्टर चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 6 ट्रैक्टर भी बरामद हुए हैं। पुलिस टीम की सफलता पर एसपी ने टीम को 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। ये 15 नवंबर को सिकंदर राव पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा 10 ट्रैक्टर की बरामदगी की गई थी और उनमें गिरफ्तारियां भी हुई थी और उसमें एक वांछित लगातार चल रहा था गया लाल और गया प्रसाद, और इसको गिरफ्तार करने में सिकंदर राव पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा सफलता हासिल की गई है। इसी गिरफ्तारी के साथ एक दिनेश नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से 6 ट्रैक्टर की बरामदगी की गई। पैरा गेम्स के लिए प्रदेश में नियमावली न होने से ये खेल यूपी में अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल लखनऊ का एक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर 7 बार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 बार पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा भी ले चुका है, लेकिन उसका कहना है कि सरकार के पास इस खेल को लेकर कोई नियमावली नहीं होने से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लखनऊ में व्यापारियों ने ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, जिसके खिलाफ व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और ये मांग की है कि ऑनलाइन कंपनियों को बंद किया जाए। जीएसटी की कमियों, एफडीआई इन रिटेल के खिलाफ, ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ, मंडी शुल्क को समाप्त किए जाने, व्यापारी को सम्मान मिले और व्यापारी को सुरक्षा मिले, इन मांगों को लेकर के आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सभी जनपद मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहा है। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं सैकड़ों व्यापारी यहां पर इकट्ठा हैं। राफेल मामले पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला किया है। खड़गे ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी है, अदालत में झूठ बोलने के लिए मोदी सरकार माफी मांगे। खड़गे ने कहा कि हम कैग से अदालत में जमा की गई रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे। प्रयागराज में जनवरी 2019 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कॉल ड्रॉप की परेशानी को ध्यान में रखकर मेला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मेले के क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, जो ऐसे में दूरभाष केंद्र में मजबूती रहना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में तकरीबन 50 हाईटेक मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं। तकरीबन जो सरकार ने प्लान कराए हैं पूरा नेटवर्क कवर करने के लिए, कोई काफ़ी बड़ा कुंभ का एरिया है तो करीबन 40-50 टावर के बीच में
टावर यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये सब अस्थायी टावर हैं जो कुंभ के दौरान यहाँ लगे रहेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि पूरी तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पर बना रहे।